हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 16 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है आई प्रोटेक्शन सेटिंग को आप शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये आई प्रोटेक्शन सेटिंग जो है शेड्यूल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, ठीक है। इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये आई प्रोटेक्शन का, ठीक है। आई प्रोटेक्शन पे आपको इसे इस ऑप्शन के नेम के ऊपर ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना ये आई प्रोटेक्शन का फुल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना आई प्रोटेक्शन, इसके ठीक सामने ये जो बटन दे रखा है ना, इसे आप टच करेंगे तो ये अभी आपका इसी वक्त जो है आई प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नीचे की साइड ये देखिए शेड्यूल दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि शेड्यूल करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे टर्न ऑन एट कस्टम टाइम। ये कस्टम टाइम से क्या होता है कि आप यहाँ पर जो है अपनी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आप यहाँ पे एंटर करके आप जो है इस सेटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। ये सेटिंग जो है ना उस टाइम पे ऑन हो जाएगी और एंड टाइम पे खत्म हो जाएगी, ठीक है, आई प्रोटेक्शन सेटिंग। और ये जो सनसेट टू सनराइज है, इस पे आप अगर सिलेक्ट करेंगे ना इस तरीके से, तो ये सेटिंग जो है ना सनसेट टू सनराइज के सामने वाले बटन को आपको ऑन कर देना, ये सबसे बेस्ट होता है। ये मैं भी ज्यादातर यूज करता हूँ। इससे क्या होता है ना सनसेट टू सनराइज पे रखने से कि जब भी आपका सनसेट होता है, सनसेट कब होता है आपका, इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग यानी शाम के समय, जैसे ही आपकी इवनिंग हो जाएगी ना, सनसेट होगा, तो आपके मोबाइल फोन का जो आई प्रोटेक्शन सेटिंग है ना ये आपकी ऑन हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। आपको ऑन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब आप इस सनसेट टू सनराइज को ऑन करते हैं तो आपकी इस इवनिंग में आई प्रोटेक्शन सेटिंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, और ऑटोमेटिक ऑन होने के बाद आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। ये देखिए मैंने अभी ये ऑन करके दिखाया, ये इस तरीके से दिखाई देगी। मैंने ये आपको ऑन करके दिखाया, आपको ऑन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जब आप इसे सनसेट टू सनराइज पे कर देंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाई देगी आपकी जो स्क्रीन मोबाइल फोन की जो डिस्प्ले है ना, कुछ इस तरीके से रेड कलर की हो जाती है। आप ये इंटेंसिटी देख रहे हैं ना सबसे नीचे ऑप्शन, ये पॉइंटर को आप इसे ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, और ये कम भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसे ज्यादा करके रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। तो ये रात, ये इवनिंग से लेके पूरी नाइट यानी पूरी रात तक आपका आई प्रोटेक्शन ऑन रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक इवनिंग में ऑन हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे आपका सनराइज होगा ना यानी मॉर्निंग में, तो आपका आई प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है, आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगी। और ये आई प्रोटेक्शन हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि रात के समय हम जब अपने मोबाइल फोन को यूज़ करते हैं तो हमारी मोबाइल फोन की जो डिस्प्ले की जो लाइट होती है ना वो हमारी आंखों पे इफेक्ट करती है, ठीक है। आई प्रोटेक्शन का यूज़ करने से हमारी आंखों पे कम से कम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ करेंगे ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आप नॉर्मल समय के लिए यूज़ करते हैं तो आई प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी सेटिंग है, इसका यूज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आपको ये सनसेट टू सनराइज या कस्टम टाइम आप इसे सेट कर लेते हैं ना, तो आपको ये आई प्रोटेक्शन बटन को दबाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ हो जाए करेगी, ठीक है।